press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार, आप देख रहे हैं SMP झारखंड। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक आवश्यक जानकारी देना चाह रहा हूं। SMP झारखंड चैनल जो अभी आप देख रहे हैं, हो सकता है आने वाले टाइम में इसमें वीडियो अपलोड मैं नहीं करूं या आपको इस चैनल पे अपडेट बाद में मिले, क्योंकि हमें कुछ तकनीकी फॉल्ट आ गया है इस चैनल में, जिसका नतीजा है कि हमें दूसरा चैनल चालू करना पड़ा है। तो प्लीज़ आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, उसे आप क्लिक करें और हमारे नए चैनल SMP न्यूज रांची को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों। अब ये रांची के जितने भी ई रिक्शा चालक हैं, आज नगर निगम प्रांगण में पहुंचे हैं अपनी कुछ मांगों को लेकर के। इसमें कांग्रेस और JMM का सपोर्ट है, जैसा कि आप देख रहे हैं। धन्यवाद भाई मंटू डाला जी। अब अगले वक्ता के रूप में इनकी क्या इशू है, किस मांगों को लेकर के आज नगर निगम का घेराव करना पड़ा है, हम आइए इनके सदस्यों से जानते हैं। कांग्रेस पार्टी, JMM के तमाम लोग और ई रिक्शा चालक के तमाम भाइयों, 13 सूत्री मांगों को लेकर के आज हम लोग नगर निगम के पास इकट्ठा हुए हैं। लेकिन जिस तरह से आते ही हम लोग के, जैसे मानो हम लोग नगर निगम को लूटने आ रहे हैं, उस तरह से इनके अधिकारी चौकन्ना और हमारा इतना बड़ा बैनर, JMM के बैनर को इन्होंने फाड़ डाला, जिसका हम घोर निंदा करते हैं। और ऐसे अफसरों को इस मंच के माध्यम से ये चेतावनी भी देना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में अगर ई रिक्शा चालकों के जायज मांग और समुचित मांग का अगर निर्णय नहीं किया गया, तो आपको आपके कार्यालय में बैठने नहीं देंगे। ये आज आपको चेतावनी देने आए हैं दोनों तरफ से। एक तरफ तो प्रशासन के लोग ई रिक्शा को तंग करते हैं, दूसरे तरफ नगर निगम के लोग। अरे दोहरी मार झेलना पड़ता है ई रिक्शा चालकों को। लेकिन अब जो नेतृत्व मिला है हम लोगों को, माननीय हेमंत सोरेन जी का, मैं आपको आगाह करने आया हूं कि समय रहते ई रिक्शा चालकों के समुचित मांग का समाधान करते, नहीं तो रांची को अस्त-व्यस्त कर दिया जाएगा। जैसा कि मैंने बताया आपको कि कुछ पार्टियों का भी सपोर्ट है ई रिक्शा वाले लोगों को, तो आइए क्या मांगे हैं, इस आज नगर निगम का घेराव क्यों करना पड़ा, हम आइए जानते हैं यहाँ के सदस्यों से। जी बताएं। देखिए, शहर में ई रिक्शा की जो समस्या है और नगर निगम और प्रशासन के द्वारा जो दोहरी रणनीति के तहत इन लोगों का एक एक दिन में दो दो बार चालान काटा जा रहा है और इनको परमिट नहीं दिया जा रहा है। 16 किलोमीटर के दायरे के अंदर हम लोगों का मांग है कि इनको परमिट दिया जाए। बहुत से लोगों को परमिट नहीं दिया जाता है और जिनको परमिट भी दिया गया है उनको ये नाम से पकड़ लिया जाता है कि आप, मान लीजिए मेरा घर किशोरगंज है, किशोरगंज से अगर हम चल के आएंगे तब तो मेन रोड आएंगे ना, तो किशोरगंज से मेन रोड आता है तो उसको पकड़ लिया जाता है। और इतना ही नहीं, नगर निगम की टीम अलग पकड़ती है तो ट्रैफिक की टीम अलग पकड़ती है। तो हम लोगों का ये डिमांड है, 13 सूत्री डिमांड के माध्यम से हम लोग आज आए हैं और ये मांग करने आए हैं कि हम लोगों की समस्या का समाधान किया जाए। हम भी भारतीय मूल के लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को रखते हैं और लोकतांत्रिक तरीके से हम अपना व्यवसाय भी करने आ रहे हैं। हम लोगों के साथ हिटलर की तरह, हम लोगों के साथ माओवादियों की तरह व्यवहार न किया जाए। और आज के प्रशासनिक व्यवस्था का हम लोग ये देखे हैं कि हम लोगों को ऐसा ट्रीट किया जा रहा है जैसे कि हम लोग इस भारत के नागरिक नहीं है और लोकतंत्र के हम लोग नागरिक नहीं है, और इससे हम लोग बहुत क्षुब्ध हैं। और ये शिकायत हम लोग माननीय हेमंत सोरेन जी से भी करेंगे। हेमंत सोरेन जी ने आश्वस्त किया था कि आप लोग के आंदोलन को झारखंड मुक्ति मोर्चा पूर्ण समर्थन करेगा और झारखंड मुक्ति मोर्चा का तमाम लोग आज उपस्थित हैं और आने वाले दिनों में भी
भाई हेमंत सोरेन जी ने आश्वस्त किया कि हम लोग विधानसभा में भी इस मामले को उठाएंगे और ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करके हम लोग चाहेंगे कि उनको सजा मिले। इसमें जैसे क्या कुछ मांगे आप लोगों की, मांग के लिए बता दें। मैं गुलाम रब्बानी हूँ, संरक्षक हूँ रांची रिक्शा यूनियन का। हम लोग की ये मांग है कि जो विकलांग भी है उसको इस रूट परमिट के नाम से या कुछ विकलांग को ख़त्म किया जाए, विकलांग को पूरा पूरी सुविधा दिया जाए, जो महिलाएं ई रिक्शा चलाती उसको भी पूरा सुविधा दिया जाए। परमिट रूट से तो हमारा बैनर फेंक दिया गया और जितने पदाधिकारी हैं वो हम लोग को भगाने लगे, वो बोले आप लोग की कोई मांगे नहीं सुनी जाएगी, जाइए भागिए आप लोग, और हमारा बैनर भी फेंक दिया गया। गुलाम रब्बानी संरक्षक रांची जिला ई रिक्शा यूनियन। जैसा कि अभी आप सुन रहे थे कि इन लोगों की जो मांगे हैं वो मांगों को लेकर के आए, तो इनके बैनर पोस्टर भी फाड़ दिए गए। नगर निगम परिषद में सभी पहुंचे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के, आप इस समय देख रहे हैं। ये बैनर ये लेकर के आए थे, ये बैनर इनसे छीन लिया गया था, फिर नगर निगम के रांची जिला ई रिक्शा यूनियन तो हम अपना आंदोलन समाप्त करेंगे, वरना कुछ बोल रहे हैं हमेशा जारी रखेंगे जब तक हमारी मांग पूरी ना हो। सेक्रेटरी हुआ मैं, मेरा नाम खालिद कमर हुआ, मैं ई रिक्शा रांची जिला ई रिक्शा यूनियन का सेक्रेटरी हूँ। क्या बोल रहे हैं, रिक्शा ये फाड़ दिया गया था बैनर? हाँ, एक और बैनर था उसको फाड़ दिया गया था, ठीक है, ये दूसरा बैनर है, ठीक है, पहला बैनर फाड़ दिया गया, ये दूसरा बैनर है जो कि आप देख रहे हैं। जैसा कि अभी आप सुन रहे थे कि पहला बैनर फाड़ दिया गया था। अशरफ खान है, ई रिक्शा प्रेसिडेंट हूँ। अभी हम लोगों ने जुलूस निकाला और सरकार के विरोध में भी हमने नारेबाजी की, नगर निगम घेराव किया, तो हम लोगों से इतना ज्यादा करा, जानवरों जैसा सलूक किया। हमारे दो बैनर थे, एक बैनर फाड़ दिया और बोले तुम्हारी कोई नहीं सुनाई होगी, अगर ज़्यादा तुम नारेबाजी लगाओगे मुर्दाबाजी करोगे कोई सुनवाई नहीं होगी, तुम्हारे साथ जैसा सलूक हो रहा है उससे बदतर सलूक होगा। ये बयान रांची नगर निगम के पदाधिकारियों के हुआ। नगर निगम ने बहुत गलत कार्रवाई की है आज, और ई रिक्शा को हमारा पूरा समर्थन रहेगा, आगे भी रहेगा जब तक ये गलत काम बंद ना करे, धन्यवाद। प्रशासन के अधिकारी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं आप। नमस्कार, देखते रहें SMP झारखंड, साथ में चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक करना ना भूलें, धन्यवाद।